अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। आज अभी मैं नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था तो ना मैंने बस एक स्लाइस लिया ब्रेड का, तो आज बस कुछ सुबह मैं उठी हूँ ना तो मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों, ऐसा कभी होता नहीं है। वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा था ना, शायद मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, इस वजह से गर्मी आ रही है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत खा ही लूँ, फिर मैंने एक स्लाइस लिया ब्रेड का, ऊपर जैम लगाई, एक कप चाय ली और बस मेरा नाश्ता हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब बर्तन धो लूँ, तो बर्तन धो रही थी मैं। इसके बाद फिर मैं फालसे का जूस पीऊँगी क्योंकि मुझे फालसे का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं हलीम रखूँगी, दालें मैंने रात को ही भिगो दी हुई थी, तो अभी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ये आधा कप माश की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है और मसूर की दाल है और चने की दाल है, और ये दलिया और चावल मैंने इकट्ठे भिगोए हुए हैं। और आधा कप ही मैंने सारी दालें आधा कप ली हैं, और जो अरहर की दाल है ना वो मैंने आधा कप से थोड़ी कम, और दलिया और चावल भी आधा कप से कम ली है। अब मैं सारी दालों को ना, मेरे तो अलग अलग, यानी कि दलिया और चावल सिर्फ मैंने प्रेशर कुकर में इकट्ठे लगाए थे, बाकी सारी दालें मैंने अलग अलग लगाई थी। थोड़ा सा नमक डालती थी, मिर्चें डालती थी और हल्दी डाली थी मैंने बस, और मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप दूसरी तरह बनाना चाहते हैं कुकर के अलावा तो आप वैसे भी बना सकते हैं। मैं ऐसे बना, मुझे जल्दी थी, और वैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए फिर मैंने प्रेशर कुकर में रख ली दालें। तो ऐसे करके मैं सारी दालों को ना ऐसे, अब मैंने 2.5 किलो गोश्त ले लिया, इसमें मैं एक पूरी मैंने वो लहसुन लिया है, तकरीबन 12-13 जवे थे, और उसमें मैंने एक पीस अदरक का लिया है, 3 टमाटर लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के छोटे प्याज लिए हैं, और अब मैं इसमें नमक डालूंगी, मिर्चें डालूंगी, हल्दी डालूंगी और मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालूंगी। बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं, छोटी इलायची है और ये काली मिर्ची है और दालचीनी। मैं फिर भी अगर आपको ना समझ आई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिख दूंगी। तो अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी, तकरीबन मैंने आधा घंटा लगाया था, तो प्रेशर कुकर से ये कि ज़रा जल्दी हो जाएगा और जो गोश्त है वो मैश करने में आसानी होगी बस। और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला था, तो पानी आप कम ही डालिएगा, मेरे से फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे भी इलेक्ट्रिक की वजह से ना वो पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। तो अभी थोड़ा सा जो प्याज बच गया था, मैंने 2 छोटे प्याज ही डाले हैं, जो थोड़ा सा बचा था मैंने वो भी डाल लिया, क्योंकि पहले मुझे ज़्यादा लग रहा था, मुझे कम लग रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपने ऐसे पकाना है, या मेरी मेरी राय तो ये है कि आप प्रेशर कुकर में ही बनाएं। तो मैंने आधे घंटे बाद जब प्रेशर कुकर खोला तो ना बीच में थोड़ा सा पानी था, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे इसको खुश कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी निकाल के दाल में भी डाल दिया था, क्योंकि जब मैंने दालें गलाई थी, गला के मैंने दालों को तो ग्राइंड भी कर लिया हुआ है। तो अब मैं ये पानी सारा खुश करूंगी, और जितनी भी हड्डियाँ थी ना ये सारी मैं अलग कर लूंगी, और जो गर्म मसाला है वो भी भूनते हुए मैं बीच में से सारा निकालूंगी, जो मैंने साबुत गर्म मसाला डाला है। ये देखिए, मैं सारी हड्डियाँ इसमें से निकाल दूंगी, जब हड्डियाँ सारी निकल जाएंगी फिर मैं सारे चिकन को मैश कर लूंगी। देखिए, मैं सारी हड्डियाँ इसमें से ना अलहदा कर लूंगी।
मैंने ना चिकन को मैश करके तो अच्छी तरह से भून लिया था, इतना भूना था कि वो नीचे लगने लग गया था। तो अब मैं इसमें सारी दालें डाल दूंगी और पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह, अच्छा अगर आपको लगे ना कि मिर्चे कम है तो आप इस पॉइंट पे भी मिर्चे डाल सकते हैं, तो नमक तो आप जब दिल करे डाल सकते हैं, लेकिन मिर्चे आप अभी भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं और पानी डाल के तो मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन मेरे 3 से 4 घंटे, 3 घंटे इसको लगे थे, 3 साढ़े 3 घंटे इसको पकते। आप समझे कि सारा दिन ही ना हलीम पे लग गया आज ना मेरा तो, और जो किचन मैसी हो गया वो अलग। तो अभी बस ये मैं सारा मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने मिर्ची और भी डाली थी, पहले मैंने 3 टेबल स्पून डाली थी, फिर मैंने और डाली इसके बाद 1 टेबल स्पून, मुझे कम लग रही थी। अब ये देखें हलीम पक पक के ना इसका क्या कलर हो गया। अब मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। तड़के में मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था और उसको ब्राउन करके, तो मैंने हलीम में जलाना नहीं है आपने, ब्राउन करके मैंने हलीम में डाल दिया था। तो अभी मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि हलीम ज़्यादा थी तो फिर ज़्यादा ही डलेगा। हलीम, कड़ी, इस तरह की चीज़ें कम नहीं बन सकती मेरा ख्याल है। हालांकि आधा आधा कप मैंने दालें ली हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा बन गई। तो अभी इसको मैं मिक्स कर लूँगी और अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कैसी बनी है। अच्छा, कड़ी, हलीम, इस तरह की जब चीज़ें बनती है ना तो किचन बहुत ही गंदा हो जाता है। हालांकि मैं साथ साथ साफ कर रही थी, लेकिन बहुत गंदा हो जाता है किचन। तो अभी मेरी ये दिल कर रहा था कि बस फटाफट बन जाए और मैं खा लूँ, क्योंकि कितने दिनों से मेरा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा कि आज तो बना ही लूँ। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे पता है सबको बहुत अच्छी बनानी आती होगी, लेकिन मेरी रेसिपी से भी ट्राई करके देखिएगा आपको कैसी लगती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आगे आपके साथ नेक्स्ट डे की वीडियो शेयर करूँगी। हम बस अब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कहीं और तो जा नहीं सकते, तो ऐसे बस ड्राइव भी हो जाती है, थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है बस। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी साथ दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ। मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रहा था ना, शुक्र है सर्दी जा रही है। तो हमने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, तो सर्दी भी नहीं थी, गर्मी गर्मी वाला मौसम था, गर्मी वाली हवा थी। Thank you.
आगे थे तो मैं आपके साथ चॉकलेट केक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने लगी थी। मैंने समझा कि ना कैमरा ऑन है, तो बस कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, तो ना कैमरा ऑफ था और मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब आप परेशान ना हो, मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो अभी मैं ये विस्क की मदद से मिक्स कर रही हूँ इसको। आप अब मैं इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूँगी कि कोई बबल ना इसमें रह जाए ना। तो मैंने इसमें मैदा डाला था, अंडे डाले थे, ऑयल डाला था, सिरका डाला था, बटर डाला था और शुगर डाली थी, और ये सारा कुछ और बेकिंग सोडा भी डाला था मैंने, बेकिंग पाउडर भी डाला था। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को, जिसे आप मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर अलग है और मीठा सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं वो अलग है। तो आपने दोनों ही डालने हैं। तो आप मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और केक बहुत फ्लफ़ी बनेगा। मैं तो इसको एज अ डिज़र्ट बनाने लगी हूँ। आप लोग चाहें तो इसको केक भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, केक भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी ये देखें, मैंने उठा के इसको इसलिए मारी, जितने भी एयर बबल है ना वो ख़त्म हो जाए। अभी मैंने इसको 170 पे रख के और 35 से 40 मिनट के लिए बेक किया था। अब मैं 200 ml क्रीम ले लूँगी। आपने सारे कप्स इस्तेमाल करने हैं मेयरमेंट वाले, और आपने किसी और चीज़ें स्पून भी आपने वही इस्तेमाल करने हैं। तो इसमें मैं चॉकलेट चिप्स डाल दूंगी। मैंने डार्क चॉकलेट नहीं ली, नॉर्मल चॉकलेट ली है। क्रीम को आपने के वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाए, तो अभी मैं इसको, ये नहीं कि उबलने लग जाए, बस वो तेज़ गर्म हो जाए। और अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ जो मैंने चॉकलेट चिप्स डाले थे बीच में, और इसको मैं केक के पीस करके उसको ट्रे में लगा के तो मैं सारा ऊपर ये सिरप डाल दूंगी। अभी मुझे ये ट्रे छोटी लगेगी। ये देखिए कितना फ्लफी बना है, मैंने ना केक को सारे को काट लिया। तो अभी ये देखिए मैं सारा केक ट्रे में लगा दूंगी, ये ट्रे में बाकी सारे पीसेस भी लगा दूंगी, और इसके ऊपर वो जो मैंने चॉकलेट की वो चॉकलेट का सिरप बनाया ना वो मैं सारा डाल दूंगी। ये देखें बहुत सॉफ्ट बना था केक, बहुत सॉफ्ट बना था। मैंने ऑयल भी डाला था, मैंने बटर भी डाला था, तो नॉर्मल जो खाने वाला ऑयल होता है वो लेना है आपने। अभी मैं सारा ये ऊपर डाल दूंगी इसके, ये खुद ही इसमें ना केक में जज्ब हो जाएगा सारा, क्योंकि केक ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है। तो आप इसको अपनी दावत में बनाएं, खुद बना के खाएं, बहुत लजीज बना था, बहुत मज़े का बना था। आप कहते होंगे ये अपनी तारीफें खुद ही करने लग जाती है, अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो अभी मैंने चॉकलेट चिप्स और ले लिए थे, तो 1 कप और लिए थे मैंने, और इनको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। और इत गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं आपने करना, क्योंकि अच्छा जब आप चॉकलेट जो बेकिंग वाली चॉकलेट होती है ना वो लेंगे, उसको थोड़ा सा भी आप गर्म करेंगे ना तो वो मेल्ट होने लग जाएगी। तो अभी मैं इसको सारे को ये फोक की मदद से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं व्हिपिंग क्रीम लूँगी और उसको मैं व्हिप कर लूँगी। ये देखें ये सारी मेल्ट हो गई है चॉकलेट। जब मैं क्रीम को, अच्छा जो आपने व्हिपिंग क्रीम लेनी है ना उसको आपने फ्रीज़र में रख के जमाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेना है। और जो आपने केक में अंडे डालने हैं, दूध डालना है और बटर डालना है, ये सारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और ये देखिए मैं इसको व्हिप कर रही हूँ। आपने कोई भी दूध भी आपने ठंडा नहीं लेना, अंडे भी ठंडे नहीं लेने, और बटर भी आपने ठंडा नहीं, मेल्टेड बटर लेना है रूम टेम्परेचर पे, और अंडे भी। आप कहते होंगे ये हमारा बहुत सर करती है। तो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ।
क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया किचन मेरी फेवरेट जगह है। और अभी ये देखें, मैंने ना क्रीम बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो आपने देख के व्हिपिंग क्रीम ही लेनी है। अब थोड़ी सी भी ये व्हिप हो जाएगी ना तो मैं इसमें डाल दूंगी, जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की है ना वो मैं इसमें डाल दूंगी, और फिर उसको सारी को डाल के और मैं इसको व्हिप कर लूंगी। इतना आपने व्हिप कर बहुत अच्छा, ज़्यादा भी कर दो ना तो वो क्रीम आपकी ख़राब हो जाती है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ी नॉर्मल रखनी है। मैं आगे आपको बताऊंगी आपने कैसे रखनी है। मैं ये देखे, मैं साथ साथ इसको ना डालती जा रही हूँ। जब ये नहीं कि आपने क्रीम सारी व्हिप कर ली है तो आप बाद में डालेंगे, आपने साथ साथ ही डालनी है। मैं ये सारी ऊपर जो मैंने व्हिपिंग क्रीम बनाई है ना, मैं सारी ऊपर लगा के इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, और फिर आप यम यम करके खाएं। अच्छा, वैसे अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा मेरी बातों से कि मुझे कुकिंग का कितना शौक है। कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, मुझे रोटियां पकाने का शौक नहीं है। है ना अजीब बात, मैं सारा कुछ सारे मुश्किल काम कर लेती हूँ, रोटियों पे आके मेरी बस हो जाती है। अभी बस ये मैं सारा ऊपर लगा दूंगी और इसको मैं रैप करके तो दो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। आपने फ्रीजर में नहीं रख देना, फ्रिज में रखना है। आगे मैं इसको आपको कट करके भी दिखाऊंगी, तो दिखाऊंगी ना कि कैसा बना है। मुझे तो बहुत पसंद आया था, तो आप लोग भी ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करना आप अक्सर भूल जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।